बाढ़ की वजह से दिल्ली का ये आईटीओ का रास्ता बंद करना पड़ा है, जो कि रिंग रोड है, आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ से बैरिकेड लगा दिया गया है, मेरठ एक्सप्रेस का रास्ता जाएगा इधर बंद कर दिया गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान रास्ता हो रखा है दोस्तों, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। दिल्ली में इस समय बाहर के यमुना नदी किनारे किनारे दोस्तों हालात ही बुरे हो रखे हैं दोस्तों, पानी बहुत तेज बह रहा है नदी के अंदर। मैं नाइट ड्यूटी जा रहा था, फिर पुलिस वाले लगा के रोका, लेकिन मैं साइड से निकल आया दोस्तों, क्योंकि मुझे आईटीओ पे ही आना है, जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ आईटीओ पे ही है, आईटीओ पे ही पानी भरा हुआ है दोस्तों, रिंग रोड बंद कर रखा है और ये रिंग रोड है दोस्तों, जहाँ तक हो सके आप लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद कीजिए, क्योंकि यमुना खादर पूरे 27 से 30 मीटर दूर रेंज में है नदी दिल्ली में, और वहाँ पे बहुत से लोग प्रभावित हैं दोस्तों। आईपीडी को जारी दोस्तों, क्योंकि आईपीडी को ही जस्ट बगल में हमारे, मैं भी आईपीडी को में ड्यूटी करता हूँ दोस्तों, और बाहर ये वही रिंग रोड है जहाँ पे 10 मिनट के अंदर लाखों गाड़ियाँ गुजरती थी दोस्तों, आप देख सकते हैं सोना पड़ा हुआ बिल्कुल दिल्ली में, ये जय भारत माता की तिरंगा झंडा लहरा रहा है आईटीओ इंटर मेट्रो के पास दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों ये रिंग रोड है दिल्ली का, एक तो बाहरी रिंग रोड है, एक आईटीओ स्रोत रिंग रोड गया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस रिंग रोड से हर एक घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे आधे घंटे में 1,50,000 90,000 गाड़ियाँ निकलती थी, वो कैसे हो गई है सुनसान, कभी चारों तरफ रास्ता पुलिस वाले ने बंद कर दिया है रिंग रोड पर, और आप देख सकते हैं यहाँ कि आगे दिल्ली सचिवालय पकड़ा दोस्तों, आपको एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी दिखाई पड़ेंगी, इसके आगे सब चीज़ बंद है दोस्तों, क्योंकि सचिवालय तक पानी भर चुका है, आईटी तक पानी भर चुका है, काले खां से यहाँ तक थोड़ा राहत भरा है, काले खां इधर साइड में काले खां से यहाँ तक राहत भरा हुआ है, आईपीडी पर तो उसके बाद पानी ही पानी है दोस्तों। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे आप देख सकते हैं, आईटीओ से आगे जाओगे तो आपको राजघाट से, लाल किला से आगे जाओगे तो कश्मीरगढ़ से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा सिविल लाइन्स, मजूमगढ़ टीला, नेपाली मार्केट, तिब्बत मार्केट और वजीराबाद दोस्तों, चारों तरफ बाढ़ का पानी आ चुका है नदी में, क्योंकि दिल्ली में बारिश तो जब से दिल्ली में बाढ़ आई है तब से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है दोस्तों, लेकिन ये जो पानी छोड़ा जा रहा है हाथियों को उससे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है यमुना नदी, और उससे नियर बाई यमुना किनारे जो भी इलाके हैं वहाँ बाढ़ का पानी आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, लोगों को आप सहायता कीजिए, धन्यवाद।